नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की संसाधन और विकास के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसका लास्ट चैप्टर बचता है हमारा मानव संसाधन। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है आप सभी के लिए। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अब आप सोचिए, यहाँ क्या बोला है? लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। क्या आज से पहले लोहा नहीं होता था? 4-5 हजार साल पहले भी तो लोहा होता होगा, लेकिन उसकी खोज नहीं की, उसे उपयोगी किसी ने नहीं समझा, तो उसे संसाधन नहीं माना गया। जब नई नई खोजें हुई, अब आपने देखा होगा कई चीजें ऐसी रहती थी आज से 10 साल पहले उपयोगी नहीं रहती थी, हम लोग उसका उपयोग नहीं करते थे, वो हमारे लिए संसाधन नहीं थे, लेकिन मानव ने दिमाग चलाया, उसे उपयोगी बनाया, तो तब तो वो संसाधनों में परिवर्तित हुआ। मानव के वो दिमाग की ही तो उपज है। और एक आपके जापान का सबसे ज्यादा, मतलब इतना सब होने के बाद, परमाणु हमला झेलने के बाद भी अगर विकसित देशों में गिना जाता है तो उसका मानव संसाधन बड़ा अच्छा है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व के समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने की रोजगार कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। बात करते हैं जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं तो कुछ विरल बसे हुए हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों, विषपतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। आपके विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में एशिया में रहते हैं, ये यूरोप में हो गए, देख रहे, ये अफ्रीका में रहते हैं, ये आपके मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, ये उत्तरी अमेरिका में रहते हैं, ओशिनिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत द्वीप समूह में आते हैं आपके ओशिनिया। देखिए, एशिया में सबसे घनी आबादी। बिस्वत बृहत के दक्षिण की अपेक्षा बिस्वत बृहत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं आपके। ये कौन कौन से हैं? चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान। बात करते हैं जनसंख्या का घनत्व।
भारत की जनसंख्या का घनत्व, औसत घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382। ठीक है, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात आपका पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में आपका। जब कक्षा में पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है, क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक, स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण, सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्पस और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। आपने देखा होगा अगर किसी कृषि की जा रही है या कोई उद्योग किया जा रहा है तो वो अपनी एक अच्छी स्थिति के अनुसार, मतलब सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, वहीं रहना पसंद करेगा ना आदमी, वहीं उद्योग लगाना पसंद करेगा जहाँ उसके लिए पानी की सुविधा हो, परिवहन की सुविधा हो, कच्चे माल की सुविधा हो, खेती के लिए जैसे आपका पानी की सुविधा हो, उपजाऊ मिट्टी हो, भौगोलिक स्थिति उसकी अच्छी हो। इस तो इसी तरह जनसंख्या भी वहीं रहेगी, लोग वहीं बसना पसंद करेंगे जहाँ उसे सुविधाएं मिल रही हो। दूसरा है आपका जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त तो भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगी, चांगजियांग, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने की प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले। पर आपका खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। फिर आता है आपका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। अब लोग मुंबई, गांव की तरफ से लोग मुंबई क्यों जाते हैं? काम की, रोजगार की तलाश में ही तो जाते हैं। अगर उन्हें वो रोजगार अगर गांव में ही उपलब्ध करा दिया जाए तो लोग किसके लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। दूसरा है आपका सांस्कृतिक कारण। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी हो गया, यरूशलम हो गया, वेटिकन सिटी, इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक की बात करें तो अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए आप पुणे को ले सकते हैं। बात करते हैं जीवन प्रत्याशा, या उस उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। अब बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा कि चित्र 6.3 में देखिए। यह आपका 100 मिलियन थी कब? 500 ईसा पूर्व में। 170 मिलियन हो गई जब आप लोग जीरो पर आए, मतलब ईसा के जन्म पर आए। फिर 265 मिलियन हो गई आप,
1000 ईसा पर आए, ईस्वी पर आए सॉरी, और ये आपकी 500 ईस्वी में आए, जब 425 मिलियन हो गई। इसी तरह 2025 तक कितनी हो जाएगी? 8525 मिलियन। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की जनसंख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन सीधी उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थीं, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1904 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों के बाद आपकी 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे पर्याप्त जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में से कम जनसंख्या दुगनी यानी कि 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर में कम होना था, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों को साधारण जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने का को क्या कहते हैं? प्रवास। प्रवास पक्षी भी सुने होंगे आपने, प्रवासी लोगों के बारे में भी सुना होगा। जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उन्हें प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। जनसंख्या का संतुलन, मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या एक जैसी रहती है, जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या कम होना है। देख लीजिए, प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवासी अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव हुआ है। अप्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है, उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि अगर आपको उतना ही पैसा अगर अमेरिका में जितना मिल रहा है उतना इंडिया में दिया जाता है, फिर छोड़िए रहने दीजिए दूर की बात है, जितना पैसा मुंबई में मिल रहा है अगर आपके गांव में मिलने लगता तो आप गांव छोड़कर क्यों जाते शहर की तरफ? अगर शहर में आपकी सभी सुविधाएं मिल रही हैं, फिर चाहे वो शिक्षा स्वास्थ्य की हो, पानी हो, रोजगार की हो, अगर ये सभी आपके गाँव में उपलब्ध करा दिया तो आप कभी गाँव छोड़ेंगे नहीं। तो यही कारण है। बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है जिससे आपकी वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम,
में निम्न जन्म दर, मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। अति उच्च, ये उच्च हो गए, आदर्श निम्न या जीरो या ह्रास, देख लीजिए अति उच्च ये आपके उच्च हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये यूरोप है, ये सॉरी ये एशिया है, ये यूरोप हो गया आपका, ये अफ्रीका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, देखते रहे ठीक है। चलते हैं आगे, जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अधि घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें इसके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। देख लीजिए, अपने पोते पोतियों की को कहानी सुनाती हूँ, ये सेतु बनाता है, विवाह समारोह में गाता है, ये घर देखभाल करती हैं, ये कैंसर उपचार की वस्तुओं के लिए शोध कर रही हैं, ये किसान, किस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संसाधन है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए रुचिकर विधि जनसंख्या पैरामिड है, जैसे आयु लिंग पैरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पैरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित, उदाहरण के लिए 5 से 9 और 10 से 14। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां को विभाजित। जनसंख्या पैरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 से नीचे निचली भाग में दिखाई गई है, यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों यानी कि 65 वर्ष से ऊपर की संख्या दर्शाता है, मृतकों की संख्या को दर्शाता है। देखिए वह क्या है, ये त्रिभुजाकार प्रतीत होता होने वाला आरेख क्या है, यह जनसंख्या पिरामिड है। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूं और देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूं। अब हम 3 देशों का अध्ययन करते हैं, वह क्या एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनकी आयु वर्ग में दर्शाया करते हैं। ये आपके पुरुष हो गए, ये स्त्री हो गए, 0 से 4 वर्ष, इस तरह से 85+ वर्ष, 80 से 84 दिया गया। कन्या का पिरामिड देख लीजिए, ये पुरुष ये स्त्री। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 से अधिक आयु के, मतलब आश्रित लोग का मतलब यही हुआ कि अगर आप 15 वर्ष से छोटे हैं तो आप किसी पर डिपेंड होंगे ना, जैसे माँ बाप के ऊपर, ठीक है। इसी तरह वृद्ध हो जाते हैं जब आपके 65 पार करोगे तो आपको फिर से किसी की जरूरत, सहारे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यही आपके आश्रित लोग होते हैं। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग आपकी 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। याद रखिए, अगर 15 से 65 वर्ष औसत जिस देश की आयु है वो इस आयु का लाभ उठा सकते हैं,
मतलब इनसे ये फायदे का सौदा रहता है। लेकिन भारत अभी तक कभी इस तरह का लाभ नहीं उठा पाया। चीन ने उठाया है इसका लाभ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 15 से 65 की उम्र है जो इसमें लोगों से ज्यादा कार्य करवा सकते हैं। ये आपकी ऐसी जनसंख्या होती है जो उत्पादक बन सकती है, मतलब संसाधन बन सकती है, लेकिन आपको इन्हें सुविधाएं देनी होगी जो अधिकतर देश नहीं दे पाते हैं। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पैरामिड द्वारा दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पैरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पैरामिड में दृष्टिगोचर होता है। यह है भारत का पैरामिड। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है, इसका अर्थ है मजबूत और वर्तमान में बढ़ती हुई श्रम शक्ति। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है और घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धायु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही और आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए और तभी इसका फायदा होगा। अगर आप लोग उन्हें कुशल, मतलब उन्हें ऐसी संसाधनों में डाल देते हैं, जैसे उन्हें कोई प्रशिक्षण देते हैं कि वो कोई काम कर सके, तभी फायदा होगा ना। मैं ये आपका जापान का पैरामिड है। चलिए आपके इसी अध्याय से संबंधित ये आपके क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी देख लीजिए। और आपकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो वहाँ से डाउनलोड करके रख लें। तो इस बुक्स को कंप्लीट करने के बाद आपका कक्षा 8वीं की 3 बुक्स कंप्लीट हो गई। अब बचती हमारी एक, कौन सी है? वो विज्ञान है। कक्षा 6वीं में हम लोगों ने 4 बुक्स पढ़ी थी, कक्षा 7वीं में भी 4 बुक्स पढ़ी, और कक्षा 8वीं में भी हमें 4 बुक्स पढ़नी है, जिनमें 3 आपकी कंप्लीट हो गई, एक बचती है विज्ञान के बारे में। तो अगली क्लास में हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।